हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और देखिए, नहा धो के हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 5 o'clock, और पीयू को जगाया तो बड़े मुश्किल में जग के बैठी हुई हैं। बोली मेरा मन नहीं हो रहा सुबह सुबह जागने का। मैंने कहा कन्या करनी है तो खड़े तो होना पड़ेगा। और मेरे चने भी बॉयल हो चुके हैं, क्योंकि मैंने नहाने के बाद तुरंत चने रख दिए थे, उसके बाद हम रेडी हुए थे, तो हमारे चने बॉयल हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से छान लेते हैं, इनका पानी निकाल देते। और साथ ही मैंने कुकर में तुरंत पानी निकालने वाला धुल के उसमें ऑयल डाल दिया था, तो ऑयल भी हमारा गर्म हो जाएगा। और जीरा से हम तड़का लगाएंगे, सिंपल सा चना बनाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां तो ज़्यादा खा नहीं सकती तीखा स्पाइसी। तो मैंने जीरा का तड़का लगाया, चने डाल दिए, और इसमें मैंने हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के बस इतना ही डाला मैंने चने में। और अपने चने हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और साथ ही साथ मैंने, देखिए, मैंने दूध में चावल डाल के खीर पकने के लिए रख दिया था। और बार बार चलाना भी पड़ रहा था कि देखना पड़ रहा है कहीं चावल लग तो नहीं जाएंगे नीचे। और इधर मेरा आटा गूंथा मैंने पहले से रखा था, मैंने पहले ही नहाने के बाद गूंथ दिया था जब चने रखे थे। तो इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है और खीर भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, और 5-7 मिनट पकाने हैं। तो मैंने कहा लाइए गर्म गर्म पूड़ियाँ सेक लेते हैं। तो मैं पूड़ियाँ सेकने लगी फटाफट से, क्योंकि ऑयल मेरा एकदम से गर्म हो चुका था, खीर भी रेडी है, पूड़ियाँ भी एकदम बन के रेडी हो गई। मैंने कहा बच्चों को बुला के लाते हैं, तो हम उनको गए बुलाने। तो बड़े मुश्किल में बेचारी, क्योंकि छोटी छोटी हैं तो आने का मन नहीं करते, किसी का मन नहीं होता सुबह सुबह जागने का। तो जैसे तैसे आ गई, उनको खिला पिला के बोले अब आंटी मुझे घर छोड़ गया हो, क्योंकि मैं प्लेट लेके नहीं जा सकती, गिर पड़ूंगी सीढ़ियों पर। तो उनको छोड़ने गए, बगल में ही था घर, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा छोड़ के आते हैं। छोड़ के फिर हम घर पर आए, तो इनको चाय बना के दी, क्योंकि ये भी आ चुके थे ड्यूटी से, और अपने लिए भी बनाई। थोड़ी सुस्ती सी हो रही थी, सुबह जल्दी जग गए, नहा भी लिया था बाल धुल के, तो चाय बना के इनको दी, मैंने भी पी। और बस बैठे थे, इनसे बार बार बोल रहे थे आप कपड़े चेंज कर लो, नहीं सुन रहे थे वो, अपने पता नहीं किस चीज़ में बिजी थे, मोबाइल में। तो आज का ब्लॉग कन्या भोजन का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।